अब अगर रोलिंग रेजिस्टेंस और अपील रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में के मोशन को अपोज कर रहा है, तो उसको भी ओवरकम करने के लिए पावर जनरेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, और वो पावर हमारी इस ट्रैक्शन पावर में ही इंक्लूड होगी जो हम एरोडायनामिक ड्रैग के लिए पढ़े थे, जो ट्रैक्शन पावर उसी में इंक्लूड होगी कि वो अलग से कहीं से पावर आएगी, वो पावर भी ट्रैक्शन पावर में ही इंक्लूड होगी। जो पी ट्रैक एरोडायनामिक ड्रैग को ओवरकम करेगा वही रोलिंग रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करेगा, वही पावर अपील रेजिस्टेंस या फिर ग्रेडियंट रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करेगा, वही पावर एक्सेलरेशन रेजिस्टेंस को भी कवर करेगा, ओवरकम करेगा, राइट। तो पी ट्रैक के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये सेम चीज है जो हमने एरोडायनामिक ड्रैग में पढ़ा था। आईसी इंजन में ये पावर पेट्रोल या डीजल प्रोवाइड करेगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये पावर जनरेट होगी ट्रैक्शन मोटर से, जिसे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमारा बैटरी पैक, मतलब कि बैटरीज। तो ट्रैक्शन फोर्स और ट्रैक्शन टॉर्क, यहां पर भी जो फॉर्मूलेज है ट्रैक्शन पावर के लिए, अगर वो फोर्स हम रोलिंग रेजिस्टेंस का फोर्स कंसिडर करते हैं तो भी फोर्स इनटू वेलोसिटी ही ट्रैक्शन पावर प्रोवाइड करेगा, और यहां पर भी पी ट्रैक अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का क्यूब होगा या स्पीड का क्यूब होगा। ओके, ट्रैक्शन टॉर्क क्रिएटेड बाय द फोर्स ऑन द व्हील, ये ऑब्वियसली फिक्स ही होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके, दैट इज एफ ट्रैक इनटू रेडियस ऑफ द व्हील, और ये सेम चीज स्पीड को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट प्रोवाइडेड है 2 पाई रेडियस ऑफ व्हील अपॉन 60 इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो यहां पर डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि हम यहां पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, वो रहेगा रोलिंग रेजिस्टेंस फॉर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर, और वहां पर हम पावर भी कैलकुलेट करेंगे जो कि ओवरकम करेगा सिर्फ इस रोलिंग रेजिस्टेंस को, और कंपेयर करेंगे कि एरोडायनामिक ड्रैग से ये कम लग रहा है या फिर ज्यादा की रिक्वायरमेंट है एरोडायनामिक ड्रैग के कंपैरिजन, वो सारी चीजें हम कंपेयर करेंगे। तो इसके कैलकुलेशन पार्ट की तरफ मूव करते हैं।